दुबई के उगे सिख कारोबारी और सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट के बानी डॉक्टर एस पी सिंह ओबराय वालों कोरोना महामारी दौरान प्रभावित हुए लोड़वंद परिवारों को सुखा राशन वंडन की विढ़ी गई मुहिम के तहत गुरु की बडाली विखे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बेरोजगार हुए 50 पाठी सिंघां दे परिवारों को राशन दीआं किटां वंडियां गईआं। इस मौके ट्रस्ट के सलाहकार सुखदीप सिंह सिद्धू ने कहा कि जिन्ना चिर तक हालात ठीक नहीं हो जाते उन्ना चिर तक ट्रस्ट वालों हर महीने की शुरुआत में ही लोड़वंद परिवारों तक सुखा राशन पुजदा कर दिता जाया करेगा। इस मौके मौजूद पाठी सिंघां दे आगू भाई मोहन सिंह ने सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट के मुखी डॉक्टर एस पी सिंह ओबराय वालों इस औखी घड़ी वेले गुरु घर के वजीरां की मदद लई अगे आउण ते विशेष धन्नवाद किया। जिस तरह के वक् वक् वर्गों जो जो लोड़ा ने समाज के पै रही लैके डॉक्टर एस पी सिंह ओबराय होर की अगुवाई हेठ ने सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट वालों बहुत सारे जिहड़े रणतत्ते दे विच जूझ रहे ने जिहड़े साडे जवान ने चाहे वह पुलिस के जवान आ चाहे डॉक्टर्स ने फ्रंटलाइन से जिहड़े लड़ रहे ने उन्हां वास्ते काफ़ी यत्न किए जा रहे हैं। ये जिमें सब तो पहला वेंटीलेटर भेजे गए थे जिला सदर मुकामों के उत्ते दो दो वेंटीलेटर जो बहुत जरूरी ने। उस तो अलावा पीपी किटा N95 जिहड़े मास्क ने वह भेजे गए थे जिहड़े 3 प्रति मास्क ने वह भी दिए गए थे। सैनेटाइजर की सेवा की गई थी। इस दौरान एक नाल नाल चल रहा है कि राशन वास्ते राशन की दिक्कत आ रही थी समाज के बहुत सारे वर्गों को खास करके जो किरती लोग ने उन्होंने उन्होंने वास्ते पिछले महीने के लगभग 24-25 हज़ार के करीब परिवारों को राशन वंडिया गया। इस महीने के भी जी सा 40 हज़ार के करीब पूरे पंजाब के लगते जिले के 40 हज़ार के करीब परिवारों को राशन वंडिया जा रहा जिसे 1350 परिवारों वास्ते राशन जो अमृतसर टीम को पुजा सगा वह 1350 जरा राशन किटा ने वह वंडन का सिलसिला नाल ही शुरू कर दिता गया। अज इतने असी गुरद्वारा गुरु की बडाली साहब अमृतसर इतने पहुंचे इतने जो पाठी सिंह गुरद्वारा साहब के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधीन जो काम कर रहे हैं उन्होंने लगभग 50 के करीब परिवार जिन्हों राशन की किल्लत सी वह राशन की सेवा अच्छ निभाई गई है। सो सारे जोड़े पाठी सिंह उन्होंने भरोसा भी आ ओबराय साहब वालों दिता गया कि आने वाले समय के जे कोई होर लोड़ पैंदी है जे संकट लंबा चलता तो सरबत दा भला ट्रस्ट वालों जी कोई कसर बाकी नहीं छड़ी। वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी सत सिंह जी हो सरबत संगत चरण बेनती की जाती है कि अज ये जो इकट्ठ इकट्ठा होया है ये सारे खंड फाटी सिंह साहबान हैं जिन्हों श्रोमणी कमेटी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों ड्यूटियां करद कि 10 साल कि 15 साल कि 20 साल तो कि 30 साल हो गया। अज संसार ते करोना की महामारी होने करके इन सारे खंड पाठियों खंड पाठों तो वर्जित कर दिता गया है जो कि 1.5 महीने तो बिल्कुल अपने घर बेरोजगार के तौर पर बैठे हुए हैं। किसी भी संस्था ने किसी MLA ने किसी मैंबर ने इन्हों की सार नहीं ली ना पैसे पक्षों ना राशन पक्षों। इस करके असी भाई मोहन सिंह जी ने समूह संगत खंड पाठियां रल मिल करके भाई सरदार एस पी सिंह ओबराय दिल्ली साहब सरबत दा भला ट्रस्ट वालों उन्होंने बेनती की कि वीर जी आप जी कृपा करके इन्हों पाठी सिंह की सार लेंदे हुए कृपा करो तो इन्हों की कोई मदद की जाए। अज उन्हां वालों समूह पाठी सिंह वास्ते जिन्हां की गिनती लगभग 50 तकरीबन है इन्हां सारयां अज राशन देन वास्ते उन्होंने अपने प्रबंधक इत्थे भेजे हैं जो राशन वरता रहे हैं। इस दे नाल ही श्रोमणी कमेटी के प्रधान भाई गोबिंद सिंह लोगोवाल नूं बेनती करते हैं जी हाथ जोड़ के निम्रता सहित बेनती है जी साडी बेनती प्रमाण करते हुए साडे घरां दे आण के छाती मारो घरां विच गरीबी करन की हाल हो रहा है कृपा करके सानू जो सा हक बनता है वह दिता जाए। जदों प्रेमी खंड पाठ साहब बुक कराने वास्ते साडे कोल आउंदे हन तो सारी बुकिंग एडवांस जमा करा के जाते हैं वह एडवांस बुकिंग विचों घट तो घट 3.5 करोड़ रुपया साडा फंड दा इन्हां कोल पिया होया जे होर कोई नहीं कर सकते साडी उस विच मदद कर दी जाए। सानू घट तो घट 12 करवाण करनियां पता नहीं की कारण है कि कोई भी मैंबर सब नूं पता होने के कारण भी कोई मैंबर कोई भी श्रोमणी कमेटी का नुमाइंदा
ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਸਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵੀ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।